सिर्फ 20,000 से एक महीने में 50,000, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है करेंसी ट्रेडिंग में। फ्रेंड्स, करेंसी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा लेवरेज हमको मिल जाता है, जिसके कारण हम छोटे से कैपिटल से हम अपनी मंथली इनकम आराम से निकाल सकते हैं। आज हम करेंसी ट्रेडिंग पर स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, जिससे आप सिर्फ 20,000 से 50,000 महीने के कमा सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MCX खिलाड़ी। फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल MCX खिलाड़ी करेंसी ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग पर डेडिकेटेड है। हमने कमोडिटी ट्रेडिंग पे तो वीडियो बहुत से बना दिए, आप लोगों की डिमांड थी कि करेंसी पे कोई वीडियो लेकर आइए, तो आज हम करेंसी पे वीडियो लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हम जो भी वीडियो लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी खास है, और आज की स्ट्रैटेजी तो इसलिए भी खास है कि आपके पास छोटा सा कैपिटल है तो भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में हम वो पूरा कैलकुलेशन आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मात्र 20,000 से आप एक महीने के 50,000 कमा सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल छोड़ना मत, अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आज की जो स्ट्रैटेजी है वो है USD INR ट्रेडिंग पर। ये करेंसी में सबसे फेमस ट्रेडिंग है, और सबसे पहले तो हम करेंसी ट्रेडिंग और USD INR की डिटेल बताएंगे, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंसी ट्रेडिंग MCX खिलाड़ी के साथ। फ्रेंड्स, करेंसी ट्रेडिंग में बहुत सी करेंसी की ट्रेडिंग होती है, कुछ खास चार करेंसी है जिसमें इंडिया पर ट्रेड होता है, और उसमें भी सबसे फेमस है USD INR। अब ये दोनों क्या है? ये है US डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस। आप लोग सभी जानते होंगे कि एक डॉलर अभी लगभग 81 रुपए चल रहा है, कभी ये 82 हो जाता है, कभी 80 हो जाता है। तो जो ये रेंज हो घूमता रहता है उसी पर जो ट्रेडिंग होती है उसे USD INR कहते हैं। हालांकि इसका उल्टा भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। सबसे सिंपल है, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है, तो इसमें हम किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे उसके पहले हम इसकी टिक साइज, इसकी प्राइजिंग, इसकी लेवरेज सब देखते हैं, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा अगर आप बिगनर भी हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आप चार्ट पर देखोगे या ये USD INR की वैल्यू देखोगे तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा, और इंडियन इक्विटी को आप देखोगे तो ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट नहीं आएगा, वहाँ पे 2 ही डिजिट आता है, क्योंकि इंडिया का मार्केट है वो उसकी टिक साइड 0.5 है, वो 5 पैसे से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बढ़ता है वो बढ़ता है 0.0025 की स्पीड से ये बढ़ता है, ऊपर नीचे होते रहता है। अब ट्रेडिंग के लिए हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर हम एक लॉट पर ट्रेड करते हैं तो एक लॉट कितना होता है? एक लॉट होता है $1,000 का, $1,000 का एक लॉट होता है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप घबरा जाओगे, मींस एक डॉलर अगर 81 रुपए है और हम एक लॉट से कर रहे हैं $1,000, मींस हमको 81,000 रुपये का कैपिटल चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, आपको अगर एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है तो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये। उसका कारण क्या है कि करेंसी मार्केट में हमको लेवरेज 14x 40 गुना ज़्यादा मिल जाता है। मीन्स अगर आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये हो तो भी आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं USD INR में। वैसे प्रैक्टिस के लिए एक लॉट से करना ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम अपने पास 20,000 का कैपिटल रखना चाहिए और 10 लॉट से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। 10 लॉट से ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट
अच्छा खासा होगा। एक लॉट से करेंगे तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट होगा और आपको ब्रोकरेज में आपके पैसे चले जाएंगे जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर आप 10 लॉट से करते हैं तो सिर्फ आपको 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। 20,000 रुपये अगर होता है तो USD INR में आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने टिक साइज भी बता दिया कि इसका टिक साइज है 10025, मतलब 25-25 ऊपर नीचे होकर बढ़ता है। एक लॉट है $1,000 का और आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये है तो भी एक लॉट से कर सकते हो, क्योंकि इसमें लेवरेज 40x 40 गुना मिलता है। तो अगर आप 10 लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास 20,000 रुपये होने चाहिए। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसको हम एक डेमो लाइव भी करके दिखाएंगे ताकि आपको रियल में पता चले कि कितना ऊपर बढ़ने से कितना प्रॉफिट होता है, कितना नीचे बढ़ने से कितना घाटा होता है। वो सब हम लाइव रिकॉर्डिंग कर आपको डेमो भी दिखाने वाले हैं इसी स्ट्रैटेजी में। अब सबसे पहले USD INR की वो स्ट्रैटेजी कौन सी है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको USD INR का चार्ट ओपन करना है, लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट मंथली एक्सपायरी का है उसका। तो आप जब उस फ्यूचर चार्ट को ओपन करोगे तो आपको टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट्स का। आप एक इंडिकेटर ले लेंगे सुपर ट्रेंड। अब इसके साथ और एक इंडिकेटर लेना है RSI, जिसका पीरियड 40 नहीं रहेगा, ओवरबॉट 60 और ओवरसोल्ड 40 कर देना। इतना सिंपल सेटअप है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा रहे, RSI को हम 60-40 कर देते हैं। अब ये सेटअप लगा के किस तरह से एंट्री एग्जिट करना है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने RSI नीचे ड्रॉ किया है, जो कि ग्रीन कलर में दिख रहा है वो अबव 60 का रेंज है और जो रेड दिख रहा है वो बिलो 40 का रेंज है। ऊपर हमने सुपर ट्रेंड ड्रॉ किया है, सुपर ट्रेंड हमको अप ट्रेंड ग्रीन एरो के साथ में दिखाता है और डाउन ट्रेंड हमको रेड एरो के साथ में दिखाता है। अब हमको एंट्री कब करनी है, जब भी अप ट्रेंड दिखा दे मार्केट, तो अप ट्रेंड दिखाने के बाद हम चेक करेंगे RSI। अप ट्रेंड दिखाया, RSI 60 के ऊपर है तो हम इमीडिएट बाय कर लेंगे 10 लॉट पर हम बाय कर लेंगे USD INR को। अगर RSI 60 के नीचे है तो हम वेट करेंगे, जब तक 60 के ऊपर नहीं आता है तब तक वेट करेंगे। जैसे ही 60 के ऊपर RSI आता है हम 10 लॉट में बाय कर लेंगे USD INR के फ्यूचर का जो लेटेस्ट एक्सपायरी का है। अब हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा 0.200 मीन्स अगर 10 लॉट पे और 25 बढ़ता है तो आपका 25 रुपये का प्रॉफिट होता है और 200 SL है मीन्स 200 रुपये का आपका नुकसान है। आपका टारगेट रहना चाहिए 1000 पॉइंट का, मीन्स अगर आपको प्रॉफिट मिलता है जहाँ पे भी आपने बाय किया है वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1000 का छोटा सा प्रॉफिट। फ्रेंड्स, 1000 का ऐसा ये दिन भर में कई बार दे देगा। करेंसी मार्केट सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है और आपको तो 200 बार ऐसे चांस मिलेंगे जहाँ पर आप 1000 रुपये कमा सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 200 रुपये का है। अब अगर डाउन ट्रेंड मिला है और RSI 40 के नीचे है तब हम बाय की जगह सेल कर देंगे। सेम स्टॉप लॉस का रेंज रहेगा, सेम हमारा टारगेट का रेंज रहेगा, लेकिन अगर RSI 40 के नीचे नहीं है तब तक हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही RSI 40 के नीचे चला गया तभी हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा सेम रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको दिन भर में कई चांस मिलेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास सिर्फ 20,000 का कैपिटल है तो एकदम आराम से सिंपल तरीके से आप किस तरह से महीने के 50,000 बना लोगे, वो सारा कैलकुलेशन हम ऑन स्क्रीन जाएंगे उसके बाद आपको लास्ट में बता देंगे। अभी हमने ये जो स्ट्रैटेजी देखी है इसको हम ऑन स्क्रीन चलकर देख लेते हैं, लेकिन कुछ खास बात आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इंडिया के 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म Zerodha, Upstox और Angel One, करेंसी हो चाहे कि कमोडिटी या फिर इक्विटी, सबके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो फिर एक ट्रेड कर लोगे तो आप हमारे साथ हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। और फ्रेंड्स, हमारे साथ अगर सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हो। तो चलिए, हमने बोर्ड पर देखा है ये स्ट्रेटजी, अब ऑन स्क्रीन भी देख लेते हैं और आपको लाइव डेमो भी दिखा देते हैं कि किस तरह से ट्रेड लेना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेमो दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रॉफिट और लॉस में कितना कितना पॉइंट पर कितना कितना मिलता है। तो ये हमने लेटेस्ट मई महीने का, अभी तो अप्रैल लगभग ख़त्म हो रहा है, तो मई महीने का फ्यूचर का चार्ट लिया और हमने सेल कर दिया है। हमको सिग्नल मिलने पर 81.7200 पर हमने सेल किया है। अब ये देखिए, डाउन ट्रेंड है और वो 40 के नीचे गया, हमने सेल कर दिया है। और देखिए, ये जितना जितना नीचे जाता जा रहा है उतना 25-25 रुपये ये बढ़ते जा रहा है। तो अभी हमारे डायरेक्शन में ही चल रहा है मार्केट, नीचे ही जा रहा है। और ये हमको देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे हमारे ये बढ़ रहे हैं। ये 300 रुपये हम बुक कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, बस ये बताने के लिए कि किस तरह से ये आपके पॉइंट्स बढ़ता है। अब हम सेटअप पर आते हैं। ये USD INR का हम मई मंथ का फ्यूचर ले रहे हैं। 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। हम इंडिकेटर लेते हैं सुपर ट्रेंड, और एक इंडिकेटर ले लेते हैं हम RSI। अब RSI में जो सेटिंग है उसको हम 60 कर देते हैं, ओवरबॉट को और ओवरसोल्ड को 40 कर देंगे, और इसका कलर हम ग्रीन और रेड कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ये लगाया, देखिए यहीं पे हमने प्रॉफिट उठाया था, ये डाउन ट्रेंड मिला था और हमने यहाँ पे प्रॉफिट उठाया था। ये मार्केट नीचे ही जा रहा है, अभी चालू मार्केट है ये, यहाँ पे हमने सेल कर दिया था और ये मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे हमने देखिए ये प्रॉफिट बुक किया था, तो 300 पॉइंट हमने बुक कर लिए थे। अब अगर हम इस चार्ट को बड़ा कर देखते हैं कि हमको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रॉफिट उठाना है, कैसे एंट्री करना है, क्योंकि सेटअप हमारा लगा हुआ है। तो जैसे ही हम अपना चार्ट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो, इसको बड़ा करने पर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। देखिए, जहाँ पे भी डाउन ट्रेंड मिला है और डाउन ट्रेंड मिलने के बाद RSI 40 के नीचे उतरा है, आपको सेल करना है। यहाँ पे मिला है, RSI 40 के नीचे उतरा है, हम तो सिर्फ 0.1000 का हम टारगेट रख रहे थे, लेकिन यहाँ तो इससे भी बड़ा, कम से कम आपको यहाँ पे 1500 रुपये का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा अगर 10 लॉट से करते हो तो। इसी तरह से अप ट्रेंड में जब 60 के ऊपर, ये देखिए, सिर्फ एक कैंडल ने ही आपको टारगेट दे दिया। इसी तरह से आपको अप ट्रेंड में 60 के ऊपर देखना है और डाउन ट्रेंड में ये देखिए 40 के नीचे। तो सिंपल है, आप लोग इसको यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। फ्रेंड्स, अब वो टाइम आ गया है कि हम आपको बताएं कि आपके पास अगर मात्र 20,000 रुपये है, उससे आप 50,000 इस स्ट्रैटेजी से मंथली में कैसे बनाओगे। फ्रेंड्स, आपके पास 20,000 रुपये हैं, आप आराम से 10 लॉट पर ट्रेड कर पा रहे हो। अब यही मान लेते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी से दिन भर में सिर्फ 7 ट्रेड किए हो, आप रोज सिर्फ 7 ट्रेड कर रहे हो, उसमें से ये भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये भी मान लेते हैं 4 में आपका प्रॉफिट हो रहा है और 3 में आपका लॉस हो रहा है, तो आपने प्रॉफिट का रेंज कितना रखा था? 1000 रुपये का। लॉस का रेंज कितना रखा था? सिर्फ 200 रुपये का। अगर ये 4 बार हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4000। और ये 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हमारा कितना जाने वाला है? 600 रुपये। तो हमारे पास बचा कितना? 3400।
ये एक दिन की हमारी कमाई है, वो भी एकदम वर्स्ट केस में, इतना जाएगा नहीं, इतने स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होंगे, फिर भी हमने माना। लेकिन अगर 20 दिन ट्रेडिंग डेज है महीने के, वैसे तो 22 भी होते हैं लेकिन हम 20 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है टोटल 68,000 एक महीने में। हम तो 50,000 की बात कर रहे थे, इसमें भी आपने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया मान लो, तो भी मिनिमम 50,000 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन भी हमने आपको बताया है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए, अच्छा खासा लेवरेज मिलता है, कम कैपिटल में एक अच्छी कमाई आप कर सकते हो। अगर ये वाली स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि और हमारे इस चैनल में कौन सी कमोडिटी, कौन सा करेंसी पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हम वो भी लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लेकर आए और आपको वो नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।